आज संडे है और जस्ट मेरा क्लास खत्म हुआ और अभी मैं लंच करूंगी, लेकिन लंच में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं आज रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे सुबह 11 बजे से क्लास था, मुझे उससे पहले ब्रेकफास्ट बनाना था फिर लंच बनाना था। भागाजोरी में मेरा सब कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पनीर का सब्जी जिसे मैंने बाउल में भी ट्रांसफर नहीं कर पाया, इतना भागाजोरी था सुबह से। तो मेरा जस्ट अभी क्लास खत्म हुआ, मैं लंच करती हूँ फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। जस्ट मेरा लंच कंप्लीट हुआ और मैं बाहर आई तो मुझे क्या दिखा आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये एम्बुलेंस अभी कोविड का पेशेंट लेके जा रहा है। हम लोग के इस एरिया से डेली नया केसेस निकल रहा है कोविड का। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है, क्यों घर पे नहीं रहता है, जिन लोगों की वजह से हम लोग को भी सफर हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से बाजार पे ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ नहीं है। अभी मैं समोसा बनाऊंगी, तो ये है समोसा का ड्राई मसाला और इससे बनाने का रेसिपी मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है सूखा आटा, थोड़ा सा पानी जो समोसा को शेप देने में हेल्प करेगा, और आटा गूंथ के रखा था मैंने पहले से। एक्चुअली समोसा मैदे का बनता है लेकिन मैं आटे का बनाऊंगी क्योंकि हम लोग मैदा नहीं खाते। तो ये रहा आटा, गूंथ के रखा है मैंने। तो समोसा का जो मसाला है उसके लिए सबसे पहले मैंने मूंग दाल को 3-4 टीस्पून मूंग दाल को मैंने पानी में सोख करके रखा था, और 4 टीस्पून मैंने बेसन लिया, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून साबुत सौंफ, और सबको एक साथ मैंने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। फिर वो जो मैंने मूंग दाल को भिगो के रखा था उसको मैंने जो पाउडर बनाया उसके साथ मिक्स कर दिया। मूंग दाल को मैंने पीसा नहीं था, उसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद सबको मिक्स करके मैंने तेल में फ्राई कर लिया, और मसाले में जो पाउडर मसाले में मैंने इसमें खाली नमक और हल्दी दिया और कुछ नहीं, बाकी सारे मसाला तो था ही इसमें। उसके बाद और एक चीज मैं भूल गई, उसमें लौंग 2-3 लौंग दिया था मैंने, और इलायची 2 छोटी इलायची। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया, तो मेरा जब तक एक अच्छा स्मेल ना आने लगे और जब तक उसका कलर, बेसन का कलर पूरा चेंज ना हो गया, मैंने उसे फ्राई करते रहा और मेरा मसाला बनके रेडी है। उसके बाद मैंने ऐसे आटे को थोड़ा सा लंबाई में बेल लिया था, उसके बाद उसको बीच में से काट के जो जिस पोर्शन में मैंने काटा है उसमें मैंने पानी लगाया, आप लोगों ने देखा ही है, पानी लगा के उसको हाफ करके मैंने फोल्ड करके प्रेस कर दिया था। फिर बीच में से फोल्ड करके मैंने एक कोन बनाया और उसके अंदर मैं ऐसे मसाला घुसा के फिर से मैं साइड के पोर्शन को पानी लगा के मैंने उसे सील कर दिया। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा वीडियो, ऐसे मैंने सारे जितना भी मेरा बना था सबको मैंने ऐसे रेडी कर लिया, और इसमें से कुछ ही मैं फ्राई करूंगी और बाकियों को मैं अच्छे से एयर टाइट करके डीप फ्रीजर में रख दूंगी ताकि मैं 2-3 दिन आराम से खा पाऊं। इसे आप हफ्ते भर भी खा सकते हैं लेकिन मैं 2-3 दिन के हिसाब से मैंने बनाया है। हम लोग का शाम का नाश्ता गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म समोसा। तो मैं ये नाश्ता कर लूं, उसके बाद मेरा कुछ कुछ काम है वो करना है, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद मैं अभी नहा धो के आई हूँ क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं नाइटी भी पहन लिया है मैंने, और मेरा माथा भी बहुत दुख रहा है, मीन सर बहुत दुख रहा है। तो मैं इसे जंपी कर लेती हूँ और मैं इस ब्लॉग को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, मैं यहीं पे एंड करती हूँ मेरा ब्लॉग। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।